अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं पर्दाकोश, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्दे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया था, उसमें हमने 1.5 टेबल स्पून ईस्ट डाला, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टी स्पून सॉल्ट डाल के उसे 15 मिनट के लिए राइज होने के लिए रख दिया था। देखिए ईस्ट हमारा राइज हो चुका है। साथ ही हमने लिया है 2 कप मैदा, उसमें हम डालेंगे अपने ईस्ट वाला मिक्सचर। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, उसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीम गर्म पानी डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। आटा हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस करते हैं और किसी गर्म जगह राइस होने के लिए रख देते हैं। बोल को भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि किसी जगह से भी आटा हमारा चिपके ना। मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। पसंदी बनाने के लिए एक पैन में हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 इलायची, 1/4 हमने डाली एक बारीक चॉपी हुई प्याज, जिसे हम सौते करेंगे तब तक वो ट्रांसमिशन ना हो जाए। प्याज ट्रांसमिशन हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 बड़ी वाली हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमने 1 kg के करीब बीफ के स्लाइसेस लिए थे, जिसे हमने छोटे छोटे काट लिया है, ये देखें इस तरीके से। बीफ के पीसेस का हमने पैन में डाल दिया है। फ्लेम हाई करके पहले हम इसका पानी खुश करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस, जिनमें हमारे पास हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ रंग देने के लिए, इसका टेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस। अब इसे 2 मिनट भूनेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा। इसी अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 कप फेटी हुई दही। दोबारा इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसे ढककर हल्के आंच पर पकाएंगे, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है, तो आप पसंदे हमारे तैयार है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और अपना पर्दा तैयार करते हैं। 2 से 2.5 घंटे में डव हमारी डबल इन साइज हो चुकी है। अब हम उसे पंच करते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा भूनते हैं। सरफेस पे मैदा डस्ट करते हैं और बड़ी सी रोटी बेलते हैं। फ्लावर डस्ट करते जाएंगे और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। देखिए बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। अब हम इसका साइज लेते हैं। यह हमारा वो पैन है जिसमें हम पर्दा बनाएंगे। पैन को हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे चारों साइड से।
पैन पे कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे। रोटी को अब हम पैन में सेट करते हैं। पर्दा सेट करने के लिए एक अलग से मेथड है जो हमने पर्दा बिरयानी में आपको सिखाया था, तो उसके लिए उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पर्दा बिरयानी से देख लीजिएगा। यह हमारे पसंद है जिन्हें हमने तैयार कर लिया है, और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें हमारे पास टमाटर है, प्याज है, लेमन है, हरा धनिया है और कुछ हरी मिर्च है। चलिए अब इन सब सारी चीजों को पर्दे में सेट करते हैं। पहले प्याज की लेयर डालेंगे, उसके ऊपर पसंदे, कुछ टमाटर के स्लाइसेस, हरा धनिया, हरी मिर्च, दोबारा से प्याज, और फिर इसी तरीके से इसे सेट करते जाएंगे। नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। फाइनली अब हम इसे पसंदों की लास्ट लेयर लगाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, कितना कलरफुल हमारा पर्दा तैयार हो रहा है। अब हम पर्दे को करते हैं पैक। अगर पैक करते वक्त पर्दा कहीं से फट जाए तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो सेट हो जाता है खुद ही। अब हम इस पे दूध लगाते हैं। अब हम इसे ओवन में डालते हैं। ओवन हमने पहले ही 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। हमने इसे एक ट्रे पे अपसाइड डाउन कर लिया है। अब हम इस पैन को उठाते हैं। अब हम इसे कट करते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट पर्दा गोश्त हमारा तैयार है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार बना है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।